गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। सबके मैम। गुड पास मॉर्निंग मतलब हाँ सबके पास मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है ना? यस ठीक मैम। है, सभी बच्चे अपने अपने माइक को अब ऑफ कर लो। यस मैम। आदिते, क्या लिखा है गुड मॉर्निंग में? जी डबल आई डी, गुड की जगह डबल ओ की जगह। गुड मॉर्निंग में आज नहीं गलत पहुंच लिख गया गया। है। चलो बच्चों, अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं। अपने अपने मैम माइक को ऑफ कर लो, नहीं मैं सभी बच्चों को म्यूट ऑल कर दूंगी। किसी की आवाज आई तो मैं पूछूं, तभी आप बताओगे। कल सभी बच्चों के पास नोट्स पहुंच गए थे ना? यस मैम। हाँ, यस थोड़ी थोड़ी मैम। लेट पहुंचे थे, इसके लिए सभी प्यारे प्यारे बच्चों से वेरी वेरी सॉरी। यस मैम। आज जल्दी भेज दूंगी, ठीक है ना? चलो अब अपन आगे पढ़ते हैं रासायनिक संयोजन के। मैडम हाँ 10 बजे भेजे थे आप नोट्स, हाँ हाँ तो मैंने सॉरी कर दिया ना। मैं तो सो गया था। सो गया था तू? हाँ उठ जाता, फिर सो भी किया। उठ जाता कि मैडम के नोट्स आ गए, उठ जाता हूँ। मेरे को तो लगा मैडम नहीं भेजेगी आज, है मेरे को तो लगा आज मैडम नहीं भेजेगी। 10 बजे तक इंतजार किया मुझे। आज मैडम भेजेगी ही नहीं? हाँ चलो चलो बच्चों, अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो थोड़ा सा आपके नोट्सों में आ भी गया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अपना टॉपिक चल रहा है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, देखो बच्चों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने ही प्रतिपादित किया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है अपन वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके 6 पॉइंट है परमाणु सिद्धांत के, जो आपके नोट्सों में पहुंच गए थे, ठीक है ना? तो आज डाल्टन का परमाणु सिद्धांत मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये भेज दिया था जो अवोगाद्रो नियम की अनुप्रयोग के साथ आ गया था आपके पास में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का पहला पॉइंट है, पदार्थ छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। पदार्थ छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पहला पॉइंट था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं।
एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। अर्थात एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब है जैसे आकार है, आकृति है, द्रव्यमान है, ये क्या होते हैं? समान होते हैं। तो आप इस लाइन को ऐसे भी बोल सकते हो, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, जिनके गुणधर्म आकार, आकृति और द्रव्यमान भी क्या होते हैं? समान होते हैं। अर्थात एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म भी क्या होते हैं? समान होते हैं। अब देखो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। समान तत्वों के तो गुणधर्म भी समान थे, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने बताया, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक या अणु बनाते हैं। यह भी डाल्टन का क्या था? परमाणु सिद्धांत था, कि दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं वह आपस में मिलकर यौगिक या क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। छठवां पॉइंट इन्होंने बताया, परमाणु को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों द्वारा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में कितने पॉइंट रखे? 6, जिसमें पहला पॉइंट है, पदार्थ छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु के गुणधर्म भी समान होते हैं, या एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, जिनके गुणधर्म जैसे आकार, आकृति, द्रव्यमान आदि भी क्या होते हैं? समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक या क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। छठवां पॉइंट है, परमाणु को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों द्वारा न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। यह डाल्टन का क्या था? परमाणु सिद्धांत। अब देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या पढ़ने जा रहे हो? सीमाएं या दोष या कमी, कुछ भी लिख सकते हो। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी भी लिख सकते हो, सीमाएं भी लिख सकते हो, या तुम इनको दोष भी लिख सकते हो। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। पहली सीमा है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गेलुसेक के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या नहीं करता है। गेलुसेक का आयतन संबंधी नियम मैंने आपको पढ़ाया था, निश्चित ताप व दाब पर संयोजक गैसों के आयतन का अनुपात सरल अनुपात में होता है, उसे क्या कहा जाता है? गेलुसेक के आयतन संबंधी नियम या गेलुसेक का निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गेलुसेक के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या नहीं करता है,
यह सिद्धांत उन नियमों की व्याख्या करता है जो द्रव्यमान पर आधारित है न कि आयतन पर। किस पे आधारित है? द्रव्यमान पर। किस पे नहीं होना चाहिए? आयतन पर। यह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की पहली सीमा थी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गेलुसेक के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या नहीं करता। यह सिद्धांत उन नियमों की व्याख्या करता है जो द्रव्यमान पर आधारित है न कि आयतन पर। ठीक है बच्चों। दूसरी सीमा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं क्यों? यह समझाने में भी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या हो गया? असफल हो गया। अपने सिद्धांत में कह तो दिया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इससे पूछा कोई कि क्यों होते हैं तो उनको समझाने में ये क्या हो गया? असफल हो गया। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं क्यों, इनको समझाने में भी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या हुआ? असफल हुआ। तीसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत अणु व परमाणु में विभेद भी नहीं कर पाया। अणु व परमाणु में विभेद भी कौन सा सिद्धांत नहीं कर पाया? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कल अवोगाद्रो ने तो अणु और परमाणु में विभेद करके अणु और परमाणु की परिभाषा बता दी थी, लेकिन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अणु व परमाणु में क्या नहीं कर पाया? विभेद नहीं कर पाया। चौथा पॉइंट है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अणुओं के मध्य बंधों की प्रकृति को समझाने में भी असफल रहा। अणुओं के मध्य जो बंध बनते हैं, सहसंयोजक बंध, उनको समझाने में भी कौन असफल रहा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से यौगिक बनते हैं या अणु बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, इनको समझाने में भी कौन असफल रहा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या है? कमियां है। तो मैंने आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया कि पदार्थ छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक ही तत्वों के सभी परमाणु समान होते हैं, अतः आकार आकृति द्रव्यमान आदि गुणधर्म भी समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक या अणु बनाते हैं। परमाणु को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन द्वारा न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं हैं, जिसमें पहली सीमा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गेलुसेक के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत उन नियमों की व्याख्या करता है जो द्रव्यमान पर आधारित है न कि आयतन पर। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अणु व परमाणु में विभेद नहीं कर सका। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अणुओं के मध्य बनने वाली बंध की प्रकृति को समझाने में भी असफल रहा। भिन्न भिन्न तत्वों के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, उनको समझाने में भी असफल रहा। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक या अणु बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इनको समझाने में भी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या रहा? असफल। सभी बच्चों को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझ में आ गया क्या? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चों को आ गया? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ो। Yes, ma'am. चलो माइक ऑफ कर लो। अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं परमाणु द्रव्यमान।
परमाणु द्रव्यमान। देखो बच्चों, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका अगला टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान, जिसको परमाणु द्रव्यमान इकाई भी बोल सकते हो। परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक का मतलब परमाणु, मास का मतलब द्रव्यमान, यूनिट का मतलब इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई भी बोल सकते हो, केवल परमाणु द्रव्यमान भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो अपन पढ़ने जा रहे हैं परमाणु द्रव्यमान। देखो, वर्तमान में तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 पद्धति का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब है कार्बन तो तत्व है और कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान कितना? 12। तो वर्तमान में तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब परमाणु द्रव्यमान किसे कहा जाता है? कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान का 1/12 भाग ही क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान का 1/12 भाग ही क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो देखो बच्चों, परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर आपका सूत्र बन जाएगा 1/12 गुणा कार्बन 12 समस्थानिक। अभी अपन अगले लेसन में समस्थानिक भी पढ़ेंगे कि एक ही तत्वों के परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक। तो देखो बच्चों, परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर 1/12 गुणा कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। ये परमाणु द्रव्यमान इकाई का क्या बन गया? सूत्र बन गया। तो यही मैंने आपको परिभाषा में बताया है कि कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान का 1/12 भाग ही क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक होता है औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? कुछ तत्व समस्थानिक के रूप में होते हैं। कुछ तत्व किसके रूप में होते हैं? समस्थानिक के रूप में। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं जो तुम 10वीं क्लास में पढ़े हो, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6। यही मैंने आपको परिभाषा बताई है, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। क्लोरीन के जैसे 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। ब्रोमीन के जैसे 2 समस्थानिक होते हैं, ब्रोमीन 35-79 और ब्रोमीन 35-81। तो औसत परमाणु द्रव्यमान में आपको बताने जा रही हूँ, कुछ तत्व जो समस्थानिकों के रूप में होते हैं, जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। देखो, एक कार्बन का तो 12, दूसरे का 13, तीसरे का 14। एक क्लोरीन का द्रव्यमान तो 35 और दूसरी का 37।
एक ब्रोमीन का तो उन्या सी दूसरी का इक्या सी, ऐसी स्थिति में औसत परमाणु द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है। तो कुछ तत्व समस्थानिकों के रूप में होते हैं जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसका उपयोग किया जाता है, औसत परमाणु द्रव्यमान का। तो देखो बच्चों, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है आपेक्षिक बाहुल्यता। अभी मैं इसका अर्थ बता रही हूँ, ऐसे मत सोचो कि ये क्या आ गई, आपेक्षिक बाहुल्यता गुणा परमाणु द्रव्यमान, आपेक्षिक बाहुल्यता गुणा परमाणु द्रव्यमान, ये क्या होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान। आपेक्षिक बाहुल्यता का मतलब है दी गई प्रतिशत मात्रा, आपको क्वेश्चन में प्रतिशत मात्रा मिलेगी उसी को क्या कहा जाता है, आपेक्षिक बाहुल्यता। जैसे अपने औसत परमाणु द्रव्यमान का क्वेश्चन नंबर एक कर रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक है, क्लोरीन के दो समस्थानिक, क्लोरीन के दो समस्थानिक क्लोरीन 35 व क्लोरीन 37 है। क्लोरीन के दो समस्थानिक क्लोरीन 35 व क्लोरीन 37 है जिनकी आपेक्षिक बाहुल्यता, जिनकी आपेक्षिक बाहुल्यता 75% व 25% है। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, क्लोरीन का क्या ज्ञात करोगे, औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, मैंने आपको औसत परमाणु द्रव्यमान का सूत्र बताया है, आपेक्षिक बाहुल्यता गुणा परमाणु द्रव्यमान, आपेक्षिक बाहुल्यता का मतलब मैंने समझाया है दी गई प्रतिशत मात्रा ही क्या होती है, आपेक्षिक बाहुल्यता। तो देखो, आपको क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर। देखो बच्चों, सूत्र लगाओ, आपेक्षिक बाहुल्यता गुणा परमाणु द्रव्यमान, आपके पास क्लोरीन के कितने समस्थानिक हैं, दो समस्थानिक हैं, एक तो क्लोरीन 35 जिसकी आपेक्षिक बाहुल्यता तो कितनी है 75, एक क्लोरीन 37 जिसकी आपेक्षिक बाहुल्यता कितनी है 25। तो आपेक्षिक बाहुल्यता क्या लिखोगे, 75 गुणा परमाणु द्रव्यमान कितना है 35, एक क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 35। प्लस यहाँ पे आ नहीं रहा, यहाँ लिख देती हूँ, 75 गुणा 35 प्लस दूसरे की आपेक्षिक बाहुल्यता कितनी है 25 गुणा दूसरे क्लोरीन का द्रव्यमान कितना है 37 बटे में क्या लगा दोगे 100, क्योंकि औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हो ना बच्चों। अब देखो, 75 को 35 से गुणा करोगे आप तो कितना आएगा 25, 2 35 37 15 21 22 5 12 6 2 कितना आया 2625 प्लस 25 को तुम 37 से गुणा करोगे 35 3 14 3 कितने हुए 17 15 6 1 7 5 12 8 1 9 925 बटे में कितना लगा दोगे 100 बराबर 2625 और 925 को तुम जोड़ोगे
दस चार एक पांच, पंद्रह का पांच दो एक तीन, तो बोलो पैतीस सौ पचास बटा सौ, बिंदु से बिंदु क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 35.5। और किसे दर्शाओगे, यूनिफाइड से क्या लगा दोगे, यू, क्योंकि आजकल परमाणु द्रव्यमान में एएमयू एटॉमिक मास यूनिट के स्थान पर क्या उपयोग किया जाने लग गया है, यूनिफाइड। यूनिफाइड का प्रतीक क्या होता है, यू होता है। ये बच्चों क्या होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो सबसे पहले मैंने परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा बताई है, वर्तमान में तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 पद्धति का उपयोग किया जाता है। कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान का 1/12 भाग ही क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर 1/12 गुणा कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान। आजकल परमाणु द्रव्यमान इकाई में एएमयू के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, यूनिफाइड का, जिसका प्रतीक क्या होता है, यू होता है। फिर मैंने आपको औसत परमाणु द्रव्यमान बताया कि कुछ तत्व समस्थानिकों के रूप में होते हैं, जिसमें देखो मैंने एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रखे हैं, जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। अतः ऐसे तत्वों के लिए औसत परमाणु द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है। औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर आपेक्षिक बाहुल्यता गुणा परमाणु द्रव्यमान। आपेक्षिक बाहुल्यता का मैंने मतलब समझाया, आपेक्षिक बाहुल्यता का मतलब समझाया दी गई प्रतिशत मात्रा गुणा परमाणु द्रव्यमान, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर एक किया है, क्लोरीन के दो समस्थानिक 35 और 37 है, एक क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान तो 35 और दूसरे का 37, जिनकी आपेक्षिक बाहुल्यता 35 वाले की 75 है और 37 वाले की 25 है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बच्चों सूत्र के हिसाब से आपेक्षिक बाहुल्यता को किससे गुणा कर दोगे, परमाणु द्रव्यमान से, प्लस जोड़ के बट्टे में 100, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, औसत परमाणु द्रव्यमान। सभी बच्चों को परमाणु द्रव्यमान और औसत परमाणु द्रव्यमान समझ में आया। यस मैम। चलो दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, सभी बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठे हैं, 2 मिनट में आपका इंतजार करूंगी आंसर देने के लिए। ओके बच्चों, आप मुझे जो भी बच्चा कर ले वो बता देना कि मैम मैंने कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर अपन 2 कर रहे हैं, तुम्हें नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन करने की कोशिश सभी बच्चे करेंगे। अपन औसत परमाणु द्रव्यमान का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और मुझे बच्चे आंसर दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि सभी बच्चों को औसत परमाणु द्रव्यमान समझ में आया है। बिल्कुल सही है, पहला क्वेश्चन मैंने मिटाना नहीं है, तुम इसी के देख देख के करोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ब्रोमीन के दो समस्थानिक, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखते भी जाइए और देखते भी जाए, ब्रोमीन के दो समस्थानिक, सब कुछ मैं लिख रही हूँ तुम्हें तो सूत्र के हिसाब से, बस गुणा करके और मुझे बताना है कि मैम इतना आया। ब्रोमीन के दो समस्थानिक, ब्रोमीन 79 व ब्रोमीन, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35। इनसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, वो का वही बन गया ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 है, जिनकी आपेक्षिक बाहुल्यता, आपेक्षिक बाहुल्यता 49.7% व 50.3% है, तो ब्रोमीन का
ओ सत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सभी प्यारे प्यारे फूल के समान बच्चे आंसर देंगे फटाफट, केवल दो मिनट का वेट कर रही हूं मैं। चलो बच्चों, बहुत ही सिंपल है, सब कुछ तुम्हें दे रखा है, तुम्हें तो गुणा करके केवल 100 का भाग देना है, ठीक है। जो भी बच्चा कर ले वो बोलेगा नहीं, स्क्रीन पे जवाब देगा ताकि दूसरे बच्चे नहीं सुने। फटाफट गुणा करो, मैथ के स्टूडेंट भी हो। स्क्रीन पे फटाफट जवाब दे दो। अभिषेक चौधरी बेटा गलत है, आंसर दिया है ना पूरा, गलत है बेटा, दोबारा करो। अभिषेक चौधरी गलत है, कोई बात नहीं, सुधार करो, सही हो जाएगा। चलो बच्चे करते रहो। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास में। अभिषेक चौधरी ने गलत आंसर दिया। मैम कर लिया। बताओ कितना है बेटा। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 800 नहीं, गलत कर दिया शानिया। आंसर सही आएंगे लेकिन बेटा पॉइंटों में गलत कर दिया। सानिया आंसर सही है लेकिन तूने पॉइंटों में गलत कर दिया। हाँ हाँ, कविता सही है, कविता सही है लेकिन तूने 006 की जगह 106 कर दिया बेटा। और बच्चे, एक दो बच्चे और जवाब दो, फटाफट जवाब दो। देखो मैंने गुणा और जोड़ रखा है। मोनिका सैनी, बेटा तुम पॉइंटों पे जब ध्यान दो, 100 का भाग दे रही हो लेकिन तुम्हारे पास ऑलरेडी एक पॉइंट भी तो है ना। मैंने प्रतिशत मात्रा देखो पॉइंटों में दी है, 49.7% और 50.3%। हाँ हाँ, ये जय श्री श्याम सही है, 80.006 बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है जय श्री श्याम। दिव्या मीना तेरा भी सही है, जय श्री श्याम ही दिव्या मीना है क्या। चलो बताओ और बच्चे। निकिता सही है बेटा, नीतू तेरा भी सही है, सरिता चौधरी सही है, प्रशांत प्रतिभा चौधरी तेरा सही है। प्रशांत बेटा तूने पॉइंटों में गलत की है, 800 नहीं आएंगे, 80 पॉइंट आएंगे। प्रतिभा चौधरी सही है। मैम मेरा तेरा क्या आया तेरा?
चलो बच्चों, सभी बच्चों ने लगभग कर लिया और सभी बच्चों के हाँ दीपल गुजर सही है। चलो अब मैं और भी बता रही हूँ, दो चार बच्चे जो नहीं किए वो देख लो। देखो बच्चों, ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हो, ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर वही सूत्र लगा दोगे, आपेशिक बाहुल्यता गुना परमाणु द्रव्यमान। तो बच्चों हाँ रोहित सही आया। अब देखते चलो, अब कोई स्क्रीन पे मत लिखो। ब्रोमीन, एक ब्रोमीन तो आपके पास 79 वाली है जिसकी प्रतिशत मात्रा 49.7 है, तो 49.7 गुणा 79 प्लस एक आपके पास 81 है जिसकी प्रतिशत मात्रा 50.3 है, 50.3 गुणा 81 बटे में क्या लगा दोगे 100। देखो बच्चों, 49.7 को 79 से गुणा किया तो आपके पास आया 392.6 प्लस 50.3 को 81 से गुणा किया तो आपके पास आया 407.4 बटे में क्या है 100। इनको ऐड किया तो आपके पास आया 8000.6 बटा 100। देखो बच्चों, इसको भी तो तुम पॉइंट से हटाओगे तो 1000 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 80.006 यूनिफॉर्म।